बंदा बोल रहा था यार बाइक राइडर के लिए एजुकेशन कितना होना चाहिए। यार देखो एजुकेशन इसमें मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लिखना और पढ़ना और बोलना, ठीक है ना। अगर जो आपके पास ये है तो आप लोग एलिजिबल होते हैं बाइक राइडर के लिए, क्योंकि वो लोग आपसे बेसिक क्वेश्चन भी करते हैं। मतलब आपको इंग्लिश बोलना पढ़ना समझना आना चाहिए, ठीक है ना। आपको डिग्री नहीं देखते हो उधर पर कि आप अपने 10th की मार्कशीट दिखाओ 12th की दिखाओ, ऐसा नहीं है। बस आपको लिखना पढ़ना बोल सामने वाला बोल रहा है वो समझना आना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। क्योंकि आपका बिल्डिंग का नेम, कस्टमर का नाम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेस्टोरेंट को कौन सा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, कैसी है मेरे एवेंजर टीम, क्या हाल चाल है आप सबके। तो नए दिन नए वीडियो। तो भाई इतने सारे, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था तो भाई बहुत सारे बंदे, जैसे आकाश भाई राजस्थान जोधपुर के साइड से था और मुंबई का था बंदा, हैदराबाद साइड का बंदा था। आई थिंक मैंने 13-14 बंदों से बात किया, आई थिंक, ठीक है ना, जो मैंने मैसेज पे बात किया और इंस्टाग्राम में। तो जो वीडियो होगा मेरे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। देखो यार, जितने बंदे भी जॉब में आना चाहते हैं, तो यार मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं आप लोगों की जो मेरी एवेंजर टीम, जो मेरी फैमिली है, जो यूट्यूब फैमिली, मैं भी इनकी हेल्प करूँ यार, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी मतलब क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ ना, मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों को पहले बुलाता हूँ। रिश्तेदारों को मतलब यार मेरे भी सारे रिश्तेदार ऐसे ही बोलते हैं कि यार मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ, तो मैं हमेशा बुलाता रहता हूँ किसी ना किसी को। जैसे मेरे भाई ने मेरे को बुलाया था, तो ऐसे ही जो भी जॉब मिलती है स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ठीक है ना। धीरे 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 अपना बेस बना लेते हैं और फिर अपने जो फील्ड है उसमें चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। और तो जितने बंदे भी मुझे बोल रहे हैं कि भाई मुझे बुला लो, तो यार देख मैं कोशिश करता हूँ मैं सभी को बुला लूँ, लेकिन यार ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं है। और जैसा आकाश भाई बोल रहा था कि भाई 2.5 लाख पहले ले रहे हैं इंडिया में, और बाकी बाद में मतलब 4 लाख के करीबन उनका जा रहा था, 3,70,000-75,000 तक, ठीक है ना। मतलब 3.5 से तो ऊपर था उनका, और जितने बंदे से पूछा मैंने सबका 3.5 से के ऊपर था बाइक राइडर के लिए। तो यार पैसे बहुत ज़्यादा हैं सच में वो लोग, और बाकी मैंने बहुत कम पैसे दिए, इतने पैसे नहीं दिए मैंने जो मैं मतलब अभी कुछ का वीज़ा आ जाएगा, एक का वीज़ा दिया होता मैंने, क्योंकि कुछ के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, मतलब उनके फ़ोटो वगैरह सही नहीं थे। और एक या दो दिन के बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स और पैसे दे के आऊँगा कंपनी में। मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई अगर जो उनके पास कोई वैकेंसी है और वैकेंसी उनके पास होगी तो मैं ऑफकोर्स आप लोगों को भी हेल्प करूँगा, ऐसी बात नहीं है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ सारे लोगों की मैं हेल्प नहीं कर सकता यार, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ इधर पर, और मैं मेरे अभी अपने काम होते सभी की नहीं कर सकता। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यार चलो इतने बंदों की मैं हेल्प करूँ, बाकी मैं कंपनी से बात करके मैं आप लोगों को जितने पैसे हैं सब कुछ मैं बता दूंगा, जो भी सीन होगा अगर जो उनको रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है ना। मैंने तो अभी उन लोगों को 5 बंदों की बात किया था भाई, जो मेरे रिश्तेदार हैं, तो 5 बंदों के, एक बंदे का मैंने, 4 बंदों के अभी डॉक्यूमेंट्स आने बाकी हैं। और क्योंकि मैंने सोचा कि सभी के साथ में दे दूंगा ना, फिर 2 के आए हुए हैं, 2 के बाकी हैं, उनके फ़ोटो वगैरह मतलब वाइट बैकग्राउंड चाहिए था, तो उन लोगों ने नॉर्मली फ़ोटो दे दिए थे, ठीक है ना। तो सच में आकाश भाई इतना पैसा नहीं दे जाता, बहुत ज़्यादा होता है, 2.5-3 लाख रुपये स्टार्टिंग, मतलब 2 लाख से ऊपर दे रहे हो आप, 2.5 लाख दे रहे हो स्टार्टिंग में, जो आपका टोटल अमाउंट है वो 3.5 से ऊपर जा रहा है, तो भाई वो सच में बहुत ज़्यादा है यार, ऐसे नहीं लगते। मैंने बहुत कम जितना भी पैसे दिया, देखो मैं आप लोगों तक सारे शेयर करूँगा, ठीक है ना, कितना पैसा मैंने स्टार्टिंग में दिया, कितना पैसा बाद में देना है, और सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक बताऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी होगा, अगर जो उनके पास रिक्वायरमेंट होगी तो मैं सच में आप लोगों तक शेयर करूंगा कितने बंदे उन्हें चाहिए, क्या चीज़ होगी, जैसे भी होगा। क्योंकि भाई मैं अपने रिश्तेदारों को लगवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई उसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, मेरा कज़न है, और जो उधर पर जो HR है उनके साथ मतलब मैं कई बार उनसे मिला हूँ, तो अच्छी खासी उनके साथ जान पहचान है। जैसे ही मैं गया, मेरे को सच में उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब इतने सारे बंदे बैठे हुए थे वहाँ पे, और मेरे लिए थैंक यू सर, अगर जो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरे लिए स्पेशल कोल्ड ड्रिंक मंगाई, तो मतलब अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और बोला भाई कुमार भाई है, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो कोल्ड ड्रिंक मेरे को पिलाई है, मतलब एक उनके साथ में एक पॉजिटिव एक दोस्ती है, एक चाहे बिजनेस से रिलेटेड बोलो, बिजनेस मीन्स जो भी उनका काम होता है, जितने बार भी मैंने उनसे काम करवाया है अपना, तो वो हमेशा अवेलेबल रहे और मैं भी उनके काम के लिए अवेलेबल हूँ, मतलब उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी कभी मेरी। और सच बताऊँ कुछ थोड़ा बहुत पैसे से देने से बन जाती है भाई, आप लोगों को पता ही है, बाकी आप लोग समझदार हो। मैंने इंडिया से बंदे बुलाए थे, मतलब ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, तो
एक अमाउंट होता है, इतना बोल देते हैं भाई इसमें रूम वगैरह सारी चीज़ें देते हैं, रूम भी देंगे, लाइसेंस भी बनवा के देंगे, इंश्योरेंस, मेडिकल, वो सभी आप लोगों को सभी कंपनी देती हैं, ठीक है ना। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सारी कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि मैं दुबई से 8 साल से रह रहा हूँ, मुझे पता है कौन सी कंपनी कैसी है, कौन सी सैलरी की। दुबई में आना आप आ सकते हो, लेकिन आने के बाद वो कंपनी अच्छी है नहीं है, बड़ी है नहीं है, उसको सैलरी देती भी है या नहीं देती है, उसमें बंदे काम करने वाले खुश हैं या नहीं है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है भाई। उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, मतलब मैं दुबई में हूँ, मुझे पता है भाई ये कंपनी कैसी है, और उसमें ऑलरेडी मेरे कज़न काम कर रहे हैं, तो बाकी आप लोग समझदार हो। मैंने उस कंपनी में लगवाए हैं बंदे, और एक का वीज़ा आई थिंक कल या परसों आ जाएगा, और उनका जैसे वीज़ा आएगा तो मैं उसका वीज़ा लेने के लिए जाऊंगा और उनको दूसरे के डॉक्यूमेंट दे के आऊँगा। और लेकिन सारे आने एक साथ में ही है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि भाई मैं सबको अलग अलग एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाऊँ, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और भाई आकाश भाई राजस्थान से आपके साथ मतलब काफ़ी टाइम मैंने बात किया, वो पैसे सच में ही 3.5 लाख रुपये भाई बाइक राइडर के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने पैसे नहीं देने हैं, ठीक है ना। तो जितने बंदे भी देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो भाई इतने पैसे मत दो किसी को, ठीक है ना, क्योंकि उससे भी कम पैसे में काम हो जाता है, क्योंकि कुछ पेमेंट देना होता है पहले, कुछ पेमेंट सैलरी से कट जाता है, ठीक है ना। तो आने का मेरा यही पर्पज़ था, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई, मेरे पास इतने सारे कमेंट वो आ रहे हैं कि भाई मेरा मतलब कुछ बंदों को तो मैंने रिप्लाई भी नहीं किया कि भाई मुझे बुला लो, ये वो बहुत सारे, इतने पैसे मैंने दे दिए हैं, इतने पैसे बाकी, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बहुत सारी बातें, टेक केयर, बाय बाय। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है भाई।